पर पृथ्वी की तरह ही घर बसाने का सपना देख रहे हैं और ऐसा संभव करने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। मंगल पर वाकई घर बसाना संभव है या नहीं, ये वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। अब हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के साइंटिस्ट ने एक दिलचस्प खोज की है जो कि मार्स और वहाँ जीवन की कल्पना से ही जुड़ी हुई है। दरअसल मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नमक, आलू के स्टार्च और स्पेस डस्ट को मिलाकर मार्स पर घर बनाने के लिए खास प्रकार की ईंट तैयार की है जिसे स्टार क्रीट का नाम दिया गया है। हालांकि खास मिश्रण को तैयार करने के लिए रिसर्चर्स ने न सिर्फ आलू का इस्तेमाल किया बल्कि उसमें खून, स्पिट यानी थूक और आंसुओं को भी मिलाया है। प्रमुख शोधकर्ता डॉक्टर एलन रॉबर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि आप जानना भी नहीं चाहेंगे कि मैंने और क्या क्या आजमाया। बताया जा रहा है कि मार्शियन सॉल्ट या एक अंतरिक्ष यात्री के आंसुओं को मिलाने से स्टार क्रीट और भी अधिक लचीला हो जाता है। इसे 72 मेगापास्कल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ कंक्रीट से अधिक मजबूत माना जा रहा है जबकि इसमें मिलाया गया स्टार्च गोंद या एक बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। स्टडी के मुताबिक डिहाइड्रेटेड आलू की एक 25 किलो की बोरी से लगभग 213 ईंटें तैयार की जा सकती हैं। बता दें कि एक मामूली घर को तैयार करने के लिए लगभग 7500 ईंटों की जरूरत पड़ती है, यानी खास ईंटों को बनाने के लिए आलू की कई बोरियों की जरूरत पड़ेगी। बाइंडिंग एजेंट बनाने के लिए स्टार्च से पहले कई तरह की बाध्यकारी चीजों का परीक्षण किया गया था। इस बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर रॉबर्ट ने बताया कि हमने खून का परीक्षण भी किया क्योंकि हम सिंथेटिक स्पाइडर सिल्क को ग्लू के रूप में विकसित कर रहे थे। इसी दौरान हमें ये पता चला कि एनिमल ब्लड से मिलने वाला सस्ता प्रोटीन और भी बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हालांकि किसी जानवर को उसके खून के लिए स्पेस में ले जाना प्रैक्टिकल नहीं, इसलिए हमने सोचा कि हम ब्लड प्रोटीन जिसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन कहा जाता है उस पर परीक्षण करें क्योंकि इंसान तो स्पेस मिशन पर जाएगा ही। शोधकर्ता ने बताया कि वास्तव में ह्यूमन ब्लड प्रोटीन अच्छी तरह से काम कर सकता है। इस रिसर्च में ये जानकारी भी दी गई कि ब्रिटेन में पारंपरिक तीरों को बनाने के लिए थूक का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि थूक में एमाइलेज नाम का स्टार्च एक्टिव एंजाइम पाया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट्स ने समझाया कि थूक में मौजूद ये एंजाइम लंबी स्टार्च चेन्स को तोड़कर छोटी चेन्स में बदल रहा था जो कि बेहतर गोंद बनाने में कारगर है। आलू, थूक और खून आदि का इस्तेमाल इतने बड़े काम के लिए करना हैरानी भरा तो है, लेकिन कहा जा रहा है कि कंप्लीट वॉल ऑफ चाइना के लिए मोर्टार में चिपचिपे चावल के स्टार्च से बने गोंद का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो स्पेस ब्रिक्स में स्टार्च का इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। रिसर्चर्स का मानना है कि पृथ्वी पर भी इसका इस्तेमाल कंक्रीट की जगह किया जा सकता है। उन्होंने समझाया कि 8% वैश्विक CO2 उत्सर्जन कंक्रीट के उत्पादन के कारण होता है, इसलिए इस तरह के बायोमटेरियल्स का इस्तेमाल करना अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक